परमेश्वर की धन्यवाद। आज सुबह के समय एक बार फिर परमेश्वर के साथ मिलकर संगति मनाने के लिए एक अच्छा अवसर परमेश्वर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह अति अधिक हम सबों के जीवनों में अधिक तौर अधिक अधिक हमारे जीवन में काम करने पर आज भी हम जीवित बनकर परमेश्वर की स्तुति करने महिमा करने के लिए परमेश्वर अच्छा अवसर हमारे जीवन में खोल के दे रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन की ओर से हम लोग ध्यान करेंगे। हम लोग कलीसिया के बारे में, कलीसिया के भाइयों के बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उसी के बारे में थोड़ी और चीज़ों को भी आज भी याद करके परमेश्वर के सन्निधि में मैं बैठना चाहता हूँ। दूसरी पत्रस की किताब उसकी 3 अध्याय उसकी 15वां वचन, द बुक ऑफ 2 पीटर chapter 3 verse 15, 3 अध्याय उसका 15वां वचन, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे बताया गया अनुभव में पौलुस के बारे में पत्रस कह रहे हैं, पौलुस पत्रस के बारे में कह रहे हैं। ये 2 पीटर जो है दूसरी की पत्रस की पुस्तक है, पत्रस के द्वारा लिखा गया है। पत्रस क्या कर रहा है, अपने भाई के आखिर अपना भाई नहीं तो अपने कलीसिया के जो सदस्य पौलुस उसके बारे में वर्णन करके बता रहे हैं कि वो क्या किए हैं अपने जीवन के अनुभव में। पौलुस क्या किए हैं, बहुत प्रकार की परिस्थितियों को झेल कर गया हुआ एक व्यक्ति है और उन चीजों को उसने क्या किया, वर्णन करके लिखा है। हेलो, फिर एक बार उसका 15वां वचन पढ़ के देखते हैं। हाँ, देखो दो भाई यहाँ मिलकर कहने वाले एक पद एक एक प्रयोग को देखो, धीरज रखो। क्यों धीरज काय के लिए हमें रखना चाहिए, क्योंकि वो उद्धारी का एक हिस्सा है। पेशेंस इज ऑफ सैल्वेशन, उद्धारी से मिलने वाला एक हिस्सा है धीरज। पत्रस का जीवन में देखो धीरज है, पौलुस का जीवन में देखो धीरज है, इसलिए धीरज उद्धारी पाए हुए व्यक्तियों का जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए भाइयों के जीवन में जरूरत वाली चीज क्या है, धीरजता, पेशेंस। उद्धारी पाए इसका अर्थ है तो है ही नहीं क्या तुरंत सब कुछ अच्छा हो जाए, उद्धारी पा गए सब कुछ हटा इंस्टेंट नो, ऐसा नहीं। धीरज होने पर, धीरजा के माने पेशेंस के साथ रुकने पर, इसलिए पौलुस के बारे में पत्रस क्यों कह रहा है, क्योंकि पौलुस में बहुत पेशेंस थी। कलीसिया के अंदर से उसे सताव मिलता था, बाहरी लोगों से उसे सताव मिलता था, परिवार के लोगों से सताव मिलता था, बाहरी लोगों से सताव मिलता है, हर जगहों से सताव मिलने पर भी वो परमेश्वर के उद्धारी के ऊपर, सैल्वेशन के ऊपर पूरी तरीके से धीरजता के साथ अपना जीवन को चलाने वाला एक व्यक्ति है। पेशेंस, हैंडलिंग पेशेंस, क्योंकि इस ये अगर दूसरी पत्रस 3 अध्याय अगर पढ़ते हैं, परमेश्वर के दिन के बारे में कहा गया है, नहीं तो परमेश्वर के द्वितीय आगमन के बारे में कहा गया है, नहीं तो परमेश्वर के आने के समय में लोगों के अंदर क्या नहीं रहेगी, धीरजता नहीं रहेंगे, उधारी पाए हुए झुंड ही रहेंगे, कलीसिया में भाईचारा में रहने वाले ही झुंड रहेंगे, मगर उनके अंदर पेशेंस नहीं रहेगी। हेलो, इसीलिए यहां पे बताया गया अनुभव में पत्रस क्या कर रहा है, कलीसिया के अंदर घुसकर आए हुए बहुत सारे गलत तरीके से प्रचार करने वाले प्रचारक के बारे में बोल रहे हैं। वो उनके जीवन में क्या नहीं रखते, धीरजता नहीं, उनको सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए। जो कोई कलीसिया तोड़ने के लिए आता है, जो कोई परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में वचन सुसमाचार बोलकर कलीसिया तोड़ रहा है, उनका काम क्या है, धीरजता की जरूरत उनको नहीं है। उनकी जरूरत एक ही चीज़ है, कैसे भी कलीसिया तोड़ना है, दूसरा एक कलीसिया बनाना है, बस उतना ही उनका हिस्सा है। उनको धीरजता से कोई लेन देन नहीं, दे आर नॉट विलिंग टू बी अंडर पेशेंस।
वो लोग उद्धारी पाए हैं, उस नाम के वास्ते आते हैं, मगर क्या नहीं रहता उनके अंदर, पेशेंस नहीं रहता। इसलिए पतरस पौलुस को दिखाकर बता रहे हैं, देखो पौलुस को देखो, वो अपना हमारा प्रिय भाई है, वो हमारे वो कलीसिया को बहुत का पत्रिकाएं लिखे हैं, उनका धीरजता को देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग पौलुस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग, क्योंकि पौलुस क्या कर रहे थे, जो यहूदियों का नहीं तो यहूदियों का विश्वासीय विश्वास को वो क्या करते थे, परमेश्वर के वचन के आधारित उसको खंडन करते थे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए लोगों के अंदर एक सोच विचार था कि पौलुस जो सेवकाई कर रहा है ना, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। इसलिए पतरस क्या कर रहा है, पौलुस के बारे में बता रहा है, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है ही नहीं, वो हमारा प्रिय भाई है, उनके अंदर उद्धारी का हिस्सा है, और वो क्या करते हैं, धीरजता के साथ सेवकाई कर रहे हैं। ही इज लीडिंग ए लाइफ ऑफ पेशेंस। इसलिए हमें भी अपने जीवन में धीरजता की जरूरत है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के अंदर धीरजता थी, तो हमारे अंदर कलीसिया बनकर हमारे अंदर भी क्या करना चाहिए, धीरजता की जरूरत है। वो क्या है, परमेश्वर की ज्ञान है, इट्स अ विजडम गिवन बाय गॉड। इसीलिए विश्वासियां होने के नाते, कलीसिया के सदस्य होने के नाते, भाइयां होने के नाते, कलीसिया के शिक्षक होने के नाते, कलीसिया के पासवान होने के नाते, यीशु मसीह के अनुगमन करने वाले चेले के होने के नाते, हमारे अंदर धीरजता की जरूरत है, क्योंकि वो उद्धारी का एक हिस्सा है। तो हमें वो ही एक चीज है, भाइयों को मिलनता के साथ रुकने के लिए सहायक मन बन ठहराने वाली चीज। इसीलिए पतरस पौलुस के बारे में बता के बोल रहा है, वो हमारा प्रिय भाई है, और वो क्या कर रहे, कलीसिया को विभिन्न रीति से पत्रिकाओं के माध्यम में से लिख कर बताया गया एक ही चीज है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, धीरजता धीरजता धीरजता, उधारी उधारी उधारी, उन चीजों के बारे में ही पौलुस क्या किया, वर्णन करके बताया। इसीलिए पौलुस कलीसिया को बोल रहा है, पतरस पौलुस को, पौलुस के बारे में बोल रहा है कि पौलुस को एक्सेप्ट करो, उसको रिजेक्ट कर मत करो, वो गलत प्रचारक नहीं है, रिकमेंडेशन दे रहा है। कलीसिया के अंदर भाइया कैसे होना चाहिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या रिकमेंड करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, रिकमेंडिंग द अदर पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता के हिसाब से, अभिषेक के हिसाब से, जीवन की क्या बोलते हैं, जीवन की चरित्र के हिसाब से, वी शुड रिकमेंड अवर ब्रदर टू द चर्च। कलीसियाओं को हमें रिकमेंड करना जरूरी है, नहीं तो अगर पौलुस को अगर पतरस रिकमेंड नहीं करता तो क्या होता, कलीसिया कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कभी उनको प्रचार करने के लिए अवसर नहीं देगा, कभी भी उनको कलीसिया में इनविटेशन नहीं देंगे, समझ रहे हो ना। इसीलिए भाईचारा के अंदर एक श्रेष्ठ वाली चीज है, अगर कोई परमेश्वर के वचन से चल रहा है, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से जीवन चल रहा है, हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं अपने कलीसिया के वृद्धि के लिए। वी कैन रिकमेंड दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर द स्पिरिचुअल एनहांसमेंट ऑफ द चर्च। हेलो, इसीलिए बहुत सारे कलीसिया क्या करते हैं, जो वचन के विरुद्ध रहते हैं उनको कभी भी अपने कलीसिया में रिकमेंड नहीं करते, मगर पौलुस क्या कर रहा है, पतरस क्या कर रहा है, पौलुस को रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर आत्मिकता का चिन्ह है, उधारी पाया हुआ एक व्यक्ति है, और वो धीरजता के साथ ही सेवकाई कर रहा है, धीरजता के साथ ही सेवकाई को क्या कर रहा है, आगे लेके जा रहा है। हेलो, कलीसिया में भाइयों क्या करना चाहिए, दूसरे भाइयों का आत्मिक तत्व को जानकर, अगर वो व्यक्ति कलीसिया का आत्मिक उन्नति कर सकता है, उसके लिए अवसर खोलने के लिए रिकमेंड करने वाली भाइयों के समान, पत्रस के समान हमें बनना जरूरी है। हेलो, रिकमेंडिंग ए ब्रदर फॉर द स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट ऑफ द चर्च, कलीसिया की वृद्धि के लिए, कलीसिया की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एक आत्मिक भाई को क्या कर सकते हैं, कलीसिया में रिकमेंड कर सकते हैं।
हेलो, और बहुत सारे लोगों के अंदर एक भिन्नता थी कि पौलुस शादीशुदा था नहीं, उसके बीवी उसके साथ नहीं थी, तो सेवकाई में कभी उसको साथ नहीं ले जाते। और पतरस क्या करता, फैमिली के बारे में बहुत, पौलुस फैमिली के बारे में, फैमिली रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सेव है। तो कलीसिया के अंदर लोग उतना उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मगर पतरस ने क्या किया, एक्सेप्ट करने के रीति के हिसाब से रिकमेंडेशन दिखा रहा है। हेलो भाइयां, एक भाई दूसरे भाई को क्या करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए कलीसिया के वृद्धि के लिए। आज का सिस्टम क्या है, खुद खाएंगे मगर किसी और को खाने नहीं देंगे, खुद खाएंगे किसी और को खाने नहीं देंगे, किसी को आत्मिक रीति से प्रोत्साहन नहीं देंगे, किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे। हेलो, इसीलिए हमारे जीवन में क्या, किस चीज की जरूरत है, धीरजता की जरूरत है। अगर परमेश्वर की धीरजता के बारे में मालूम करना है तो देख सकते हैं उसी दूसरी पत्रस का किताब तीसरी अध्याय उसकी नवा वचन, उसी थर्ड सेकंड पीटर चैप्टर 3:9। हेलो, परमेश्वर की देखो धीरजता कितना श्रेष्ठ है लोगों को मन फिराव के साथ वापस लाने के लिए। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का प्रॉमिसेस परमेश्वर डिले क्यों करते हैं, परमेश्वर अपना वाग्दान क्यों डिले करते हैं, हमारा प्रॉमिसेस हमें क्यों नहीं मिलता। उदाहरण से अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुझे एक संतान दूंगा, क्यों परमेश्वर डिले किए, ताकि वो मन फिराव के साथ परमेश्वर के साथ धीरजता के साथ रुक सके। भाई देर इज अ डिले इन योर प्रॉमिसेस, तुम्हारे प्रॉमिसेस में क्यों डिले होता है, सो दैट यू कैन रिपेंट बैक, ताकि तुम परमेश्वर के निकट मन फिराव से वापस आ सकते हो, ताकि तुम अपने आप को क्लियर कर सकते हो, मेकिंग योरसेल्फ क्लियर। और अपने आप में क्या, धीरजता को, सहन को दिखा सकते हो, शोइंग योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस। हेलो, अगर परमेश्वर सब कुछ इंस्टेंट कर लेते तो क्या होता, मन फिराव के अवसर किसी को नहीं मिलता, कोई मन फिराव नहीं करता। इसीलिए इसराइलियों को परमेश्वर क्या किए, बहुत परिस्थितियों से लेकर जाने के कारण क्या है, बहुत राजाओं के विरुद्ध लेकर ला जाने के कारण क्या है, बहुत लोगों के उनको सताने के कारण क्या, ताकि उनके अंदर क्या आ सके, मन फिराव की एक तत्व, रिपेंटेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी के हिसाब से रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का अर्थ क्या है, मन फिराव, एक दिन की नहीं, हर दिन मन फिराव होते रहना चाहिए। उसके लिए हमें क्या जरूरत है, पेशेंस। इसीलिए अपने जीवन में डिले इट्स वेरी गुड, जीवन में कुछ भी आलसी हो रहा है अच्छा है। इफ समथिंग हैपन्स टू बी डिलेड डोंट वरी, वो तुम्हारे अंदर कुछ धीरजता की सहन देखना चाहता है, परमेश्वर देखना चाहता है, ही वॉन्ट टू सी योर पेशेंस इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल, मगर लोग वो समझते नहीं है। दुआ करके परमेश्वर को बोल, क्यों प्रभु मेरे को नहीं दिया, व्हाई डिड यू नॉट गिव मी लॉर्ड, वेयर आर माई प्रोमिसेस, मेरे वाग्दान कहाँ है, क्यों मुझे नहीं मिला। विरुद्ध परमेश्वर को बोलते स्टॉप दैट एटीट्यूड, वो एटीट्यूड को बंद करो, रिपेंट बैक, मन फिराव करो, बी पेशेंट, वेट फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए वेट करो, उनका परफेक्ट टाइम के लिए। हेलो, इसलिए अपने जीवन में देखने वाले अपने जीवन का एडवांटेज लो, ताकि हम मन फिराव के साथ पेशेंस बन के रुक सकते हैं कि नहीं। प्रेज़ लॉर्ड।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की कृपा को पाने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, पाप में, पाप की दलदल में फंसे पड़े रहते हैं। कि सोचते क्या है कि परमेश्वर मुझे उधारी दिया है, मैं उधारी पा गया हूं, तो मैं क्या कर सकूं, फिर से पाप दोहरा सकूं। और वो अपने जीवन में केंद्रित बन के रुके हैं। उन जैसे लोगों के लिए परमेश्वर प्रॉमिसेस को डिले करके रख रहे हैं। क्यों? ताकि वो फिर से मन फिराव के साथ, पेशेंस के साथ जीवन को सटीक करके वापस परमेश्वर के सन्निधि में आ सके, परमेश्वर की माफी को फिर से अनुभव कर सके, परमेश्वर की कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप कर सके। उस हिस्सा किसके अंदर था? पौलुस के अंदर था। इसलिए पौलुस कहता है, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं मगर मेरे से क्या होता है, बुरा ही होता है। I wanted to do something good, but something bad is always happening to me. Paulus बोलता है, मैं कुछ करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, कुछ जो करना है नहीं चाहता उस चीज को कर रहा हूं। उस परिस्थिति में Paulus क्या कर रहे हैं, मन फिराव के साथ, पेशेंस के साथ वापस परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के निकट मन फिर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके द्वारा वो कर क्या बन रहा है, कलीसिया को प्रिय, भाइयों को प्रिय। पत्रस और पौलुस के बीच में एक बार क्या हुआ था, बातचीत हुई थी, समझ रहे हो? एक बार पत्रस, पौलुस क्या किया, पत्रस को वचन के आधारित क्या किया, वो गलत काम कर रहा था उसको सटीक किया। कब? एक बार वो लोग खाना खा के बैठ रहे थे, किनके साथ, अन्य जाति लोगों के साथ मिलकर खाना खाते वक्त तुरंत कलीसिया के कौन आ गए, मेन यहूदियों, यहूदिया की चर्च की, नहीं तो ज्यूइश चर्च की पादरी लोग आ गए, तुरंत विश्वासी लोग आ गए। तुरंत पौलुस पत्रस ने क्या किया, वहां से उठकर उनके पास भाग गया। भेदभाव दिखाते वक्त पत्रस ने उनको उसको गाली किया। तो कलीसिया के अंदर एक चिंता थी कि ये दोनों के अंदर क्या है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये दोनों के अंदर कुछ झगड़ा चल रहा है। मगर वो झगड़ा है ही नहीं, वो आत्मिक विषय में प्रोत्साहन देने की बात है, नहीं तो आत्मिक विषय में रिब्यूकिंग द ब्रदर फॉर बीइंग स्पिरिचुअल। अगर गलातियों का किताब दूसरा अध्याय 7-10 अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं वो उनकी वो परिस्थितियां का अनुभव। गलातियों के किताब दूसरा अध्याय 11-25 वचन तक अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं पौलुस और पत्रस के बीच में कोई भिन्नता नहीं थी, दोनों आत्मिक रीति से क्या कर रहे थे, एक्यूप कर रहे थे। दोनों को अपना अपना मकसद ही मालूम था, दोनों को अपने अपना बुलाव मालूम था, दोनों अपने अपने सेवकाई क्या करते, भिन्न भिन्न रहते रीति से कर रहे थे। और वो भिन्नता में भी क्या करते थे, धीरजता के साथ उधारी को महसूस करके परमेश्वर की प्रॉमिसेस को पाने के लिए रिपेंटेंस के साथ, मन फिराव के साथ अपना जीवन को आगे चलाते थे। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मगर सबका जीवन का चरित्र परफेक्टनेस को दौड़ा रहा है, लीडिंग अस टू परफेक्शन। नोबडी इज परफेक्ट बट वी आर रनिंग फॉरवर्ड फॉर परफेक्शन। हम अपना जीवन क्या करते हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश में आगे दौड़ रहे हैं। उसी के लिए परमेश्वर हमको धीरजता, मन फिराव ये सब हमें दिए हैं। इसीलिए कलीसिया के अंदर भाइयों का तत्व क्या होना चाहिए, रिकमेंडिंग द अदर ब्रदर। अगर कोई आत्मिक रीति से बढ़ रहा है, आत्मिक रीति से बढ़ते वक्त कलीसिया के अंदर सामूहिकता के अंदर लोग अगर उसको पसंद नहीं करते, मेक वे, रास्ता खोलो कि लोगों को कि उसकी आत्मिकता की रिकमेंडेशन करने वाली हिस्सा वो है भाईचारा। मैं खुद प्रचार करूंगा ऐसा नहीं, कोई और आत्मिकता में है बढ़ रहा है उनको भी अवसर दो, रिकमेंड देम। अब कुलीसी की किताब 4:7 कोलिशियंस chapter 4:7
देखो ना यहाँ पे कौन पावलस किसके बारे में बोल रहा है? त्रिकस। हेलो त्रिकस कौन है? पावलस का प्रिय भाई और मेरा विश्वास योग्य सहकर्मी और सेवक। देखो तीन क्वालिटी बता रहा है किसके? अपने चेले के बारे में। हेलो क्या रिकमेंडेशन दे रहा है? देखो पावलस एक सीनियर पास्टर, त्रिकियस एक जूनियर पास्टर। सीनियर पास्टर जूनियर पास्टर के बारे में क्या बोल रहा है? वो मेरा प्रिय भाई, वो कैसे हो सकता है? पावलस सीनियर है ना, सॉरी हाँ पावलस सीनियर है, त्रिकियस जूनियर है। सीनियर जूनियर को भाई बोलता है, सीनियर जूनियर को रिकमेंड कर रहा है मेरे प्रिय भाई। ये नहीं बोला वो मेरा प्रिय चेला, नहीं प्रिय भाई। उसके बाद क्या बोल रहा है? विश्वास योग्य सेवक। उसका क्वालिटी बता रहा है त्रिकियोस में क्या है? विश्वास योग्य तत्व है, वो अच्छा एक सेवक है। तीसरा प्रभु में मेरा सहकर्मी, रिकमेंडिंग हिज ब्रदर। देखो क्या भाईचारा है, ये है संगति, ये है भाईचारा। भिन्नता की स्पिरिट नहीं दिखाई, सीनियरिटी का स्पिरिट नहीं दिखाया। उसने क्या किया? उसकी आत्मिकता का पहचान कलीसिया को बता रहा है। इसका बोलने का मतलब ये कलीसिया की जो पत्री थी, पत्रिका थी, उस कलीसिया उस पत्रिका को क्या किए? कलीसिया का विश्वासियों को भेजने के लिए एक्चुअली क्या हुआ? कलीसिया का जो चर्च, कोलोसिया का जो चर्च था, वहां से एक व्यक्ति, उसका नाम मैं भूल गया, रुको एक मिनट, एपाप्रास, एपाप्रास नामक एक व्यक्ति, वो क्या किया? वहां का इंफॉर्मेशन लाकर पत्रस को दिया, सॉरी पौलुस को दिया। पौलुस को देखते वो देते वक्त, उस कलीसिया को पत्रिका लिखते वक्त पौलुस क्या कर रहे हैं? सब प्रकार की चीजें लिखने के बाद त्रिकस मैंने एपाप्रास को पूछा, तुम जाओगे क्या वापस? तो एपाप्रास ने बोला, नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ पे थोड़े और काम है, इसलिए मैं बहुत महीनों के बाद ही मैं वापस जाऊंगा। तो पौलुस त्रिकियोस को बोल रहा है कि तू एक काम कर त्रिकियोस, ये पत्रिका लेकर कलीसिया में, कलीसिया की कलीसिया में जाकर क्या कर दे, दे देना। उस समय पौलुस क्या कर रहा है? त्रिकियस को उस कलीसिया के लोगों को मालूम नहीं है कौन है, उनको इसको कभी देखा नहीं है। तो पौलुस क्या कर रहा है? त्रिकियस के हाथ में इस पत्रिका लेकर, रिकमेंडेशन लेकर, लेटर के हिसाब से इसे देकर भेज रहे। किसके लिए? एक कलीसिया की उन्नति के लिए। रिकमेंडिंग है जूनियर ब्रदर, नहीं तो एक जूनियर मिनिस्टर, एक जूनियर सेवक को रिकमेंड कर रहे हैं कि सेवकाई का उन्नति के लिए, प्रोत्साहन के लिए कहाँ जाओ? कलीसिया के चर्च में जाकर क्या करो? इस वचनों को बोलकर, इस वचनों को पढ़ाकर सुनाओ, उनको आत्मिक रीति से बढ़ोतरी दे। रिकमेंडिंग ए ब्रदर। हेलो, उन जमानों में रिकमेंडेशन, आज भी रिकमेंडेशन लेटर है ना, नौकरी के लिए, कहीं पढ़ाई के लिए रिकमेंडेशन लेटर बहुत वैल्यू करता है। क्यों? हेलो, रिकमेंडेशन लेटर क्यों इतना वैल्यू करता है? क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर में क्या कर रहा है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में श्योर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे रहा है, गिविंग ए डिक्लेरेशन, आई नो दैट पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं और वो मेरे समान है, मैं जैसे हूं वो भी वैसा है, वो है भाईचारा का रिकमेंडेशन। इसलिए पत्रस क्या कर रहा है, सॉरी पत्रस ने पौलुस त्रिकियस को क्या कर रहा है? कलीसिया की चर्च को रिकमेंड कर रहा है कि वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, वो मेरा सहकर्मी है, वो परमेश्वर का सेवक है, दास है, तुम्हें इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम मेकर नहीं है, ये व्यक्ति कलीसिया की उन्नति ही ला सकता है। एपाप्रास जो था वो उस कलीसिया का सदस्य था,
इसलिए लोग उसको जानते थे, मगर ट्रिकियस को लोग जानते नहीं थे। इसलिए पौलुस क्या कर रहा है, आत्मिक रीति से प्रोत्साहन देने के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए रिकमेंड कर रहा है। रिकमेंडिंग ए जूनियर, हेलो, अगर प्रेरितों का किताब 20वां अध्याय उसका 4वां वचन अगर पढ़ते हैं तो त्रिकेस के बारे में वहां देख सकते हैं। प्रेरितों का किताब 20:4, देखा ना, त्रिकियस, तिमोथी एंड त्रिकियस, देखा उधर लिखा है। वो पौलुस के साथ कहां पे आया, आसिया से लेकर यरूशलेम तक आया। क्यों? क्योंकि आसिया में जो विश्वासी लोग थे वो लोग क्या किए, वहां के विश्वासी लोग क्या किए, यरूशलेम और यहूदिया की विश्वासियों को सहायता करने के लिए फंड ऑफरिंग्स कलेक्ट किए थे। दे कलेक्टेड सम ऑफरिंग्स, तो उस ऑफरिंग्स लेकर कौन लेके आया था, त्रिकियस लेकर आ रहा है पौलुस के साथ मिलकर। इसलिए उसका विश्वास योग्यता को बता रहा है, क्योंकि वो पैसों के मामले में वो कौन है, विश्वास योग्य है, बीइंग फेथफुल इन द मैटर ऑफ मनी। हेलो, एक कलीसिया को क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। क्या पहचान है, देखो ऐसी हिस्सा कलीसिया के अंदर जरूरी है। अगर ये हिस्सा कलीसिया के अंदर हम दिखाएंगे नहीं तो कैसे हम आत्मिक उन्नति ला सकते हैं। इसीलिए देखो पौलुस का तत्व, देखो पौलुस अभी आत्मिक रीति में मैंने क्या सीनियर बन गया है, मगर जूनियर्स को भी वो क्या कर रहा है, अवसर दे रहा है कि ताकि वो भविष्य में क्या बन सके, सीनियर बन सके। वो है भाईचारा। अभी उसी कलीसिया कोलोसियों की किताब 4:7-9 देखो वहां पे किसको भी साथ लेके जा रहा है, ओनेसिमोस, ओनेसिमोस ना, हाँ ओनेसिमोस कौन है जानते हो ना, कुलीसिया की चर्च में एक विश्वासी है, नहीं तो एक पादरी साहब है, नहीं तो सीनियर, वो कलीसिया का मुखिया बोल सकते हैं, सीनियर बोल सकते हैं, फिलोमोन। तो उनके घर में ये ओनेसिमोस क्या काम कर रहा था, काम करता था। हेलो, ओनेसिमोस कौन था, फिलिमोन, फिलोमोन के घर में दासत्व का काम करने वाला एक व्यक्ति। एक दिन क्या किया ओनेसिमोस, क्या किया जानते हो ना, फिलोमोन के घर से सोना चांदी सब कुछ चोरी करके निकल भाग गया। भाग जाने के बाद ये कहां पकड़ा गया, जेल में पकड़ा गया। जेल में जब पकड़ा गया, पत्रस पौलुस के साथ मिला, मिलने के बाद पौलुस उसको क्या, आत्मिक रीति से बढ़ोतरी दिए, वचनों को सब कुछ उसको बताकर सिखाए, आत्मिक रीति से उसको बना के एक्यूब करने के बाद उसके बारे में गवाही दे रहे। वो क्या है, ओनेसिमोस क्या है, विश्वास योग्य और प्रिय भाई। अरे एक चोर को विश्वास योग्य और प्रिय भाई कहलाना है तो कितना उसको ट्रेनिंग दिया गया होगा। और उसको क्या बोल रहे जानते हो, ओनेसिमोस को क्या बोल रहे जानते हो ना, तू उधारी पाया हुआ हिस्सा से तेरे को क्या करना चाहिए, तू जो गलती किया है उस गलती के हिसाब से तू तेरे को क्या करे, तेरे मालिक के पास तेरे को जाना जरूरी है। यू हैव टू गो नियर टू योर
ओनर जाएगा आज के जमाने का विश्वासी होने से। हेलो बोले नहीं, मगर पाउलस का सेवका ही देखो, प्रिपेयरिंग हिज ब्रदर। चोर है, चोरी करके भागा, मगर उसे क्या कर रहा है, प्रिपेयर करके आत्मिक तौर पर बना के। नहीं तो पाउलस का वही सेम स्टेटस दिखा के बता रहा है कि यू कैन एक्सेप्ट दिस मैन एज योर डियर फेथफुल एंड बिलॉड ब्रदर, मेरा विश्वास योग्य और भरोसामंद और प्रिय भाई के समान, इसे तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। क्यों? ये मेरे ट्रेनिंग में मेरे निकट आत्मिक चीजें सीखा है। फिलेमोन को बोल, कलीसिया के कलीसिया को बोल रहा है कि इसे क्या करो, विश्वासी के समान एक्सेप्ट करो। करेंगे, इसीलिए कैदी जब था ये पौलुस के साथ, ओनेसिमोस पौलुस को बहुत सहायता करता था, पौलुस के साथ बहुत आत्मिक चीजों के बारे में डिस्कस करता था। वो अपना जीवन डेडिकेट कर दिया पौलुस को सहायता ठहरना के लिए। इसीलिए उसकी उस बदलाव को देखकर, उस मन फिराव को देखकर पत्रस पौलुस बोल रहा है कि तेरा ये जो सेवका यहाँ पे गए, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तेरा सेवका कंप्लीट कहाँ पे होता है? जहाँ तूने गलती की वहाँ पे जाकर तेरी सेवकाई को तू कंप्लीट कर। गो बैक टू योर ओन प्लेस वेयर यू वेयर वंस ए क्रिमिनल। अगर चाहिए होता तो पौलुस उसका पूरा तरीके से है पुराना चरित्र पूरा लिख के भेज देते, हाँ या ना? मगर लिखे नहीं। लिखे क्या? ओनेसिमोस के बारे में पुराना चरित्र कुछ लिखे क्या यहां पे? नहीं। अरे वो उसका पुराना जिंदगी था, अभी उसका जीवन नया है। इसीलिए पत्रस किसको पौलुस किसको किसको रिकमेंड करके भेज रहे हैं? जूनियर पास्टर, जूनियर और एक चोर, मगर उसे चोर नहीं बोल रहे, दोनों को एक ही जैसा नामीकरण। प्रयोग देखो, विश्वास योग्य बिलव्ड भाई, और इसे क्या किया, वहां भेजे। अब बोलो वो कलीसिया के लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? अब उसका मालिक उसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो है भाईचारा, वो है मिलाव, इसे कहते हैं कलीसिया की सौभाग्यता। हेलो, रिकमेंडिंग Somebody for the church, कलीसिया के लिए किसी को रिकमेंड करना, किसे? आत्मिक लोगों को, फालतू लोगों को नहीं। इसलिए ओनेसिमोस और ट्रिकियस को भेज रहे, जाओ सेवकाई के लिए जाओ, तुम्हारा सेवकाई है। ओनेसिमोस कैसा जाएगा, जा पाएगा? इसका मन का अंदर तत्व देखो, पौलुस उसको कितना इक्विप करके उसे भेजे होंगे। हेलो, प्रेज लॉर्ड, ये है भाईचारा। रिकमेंडिंग ए ब्रदर, रिकमेंडिंग somebody हु इज स्पिरिचुअली इक्विप, जो कि आत्मिक रीति से बढ़ोतरी पाया हुआ व्यक्ति है, हु हैज पेशेंस, जिसके अंदर क्या है, धीरजता। ऐसे लोगों को कलीसिया को रिकमेंड करने वाले तत्व भाईचारा के हिसाब में कलीसिया के अंदर दिखाई देना चाहिए। इट शुड बी प्रैक्टिकली सीन। अगर ऐसा है तो इस पत्रिका में पौलुस इन दोनों के बारे में लिखकर भेजते हैं तो वो कलीसिया कैसी कलीसिया होगी, सोच के देखो। वहां के लोग कैसे आत्मिक लोग होंगे, एक बार सोच के देखो।
कलीसिया के अंदर से लूटपाट करके निकल जाने वाले एक व्यक्ति को भी वापस पुनर कलीसिया के अंदर भाई कह के बुलाने के लिए उनका आत्मिक तत्व उनको बना के रखा है, तो वो कितना अच्छा आत्मिक लोग हैं, कितने अच्छे भाई लोग हैं, सोच के देखो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कलीसिया होगी? यह है सुपर नेचुरल कलीसिया, यह है भाईचारा, यह है संगति। हेलो, अब वही कुलीसी क्या किताब 14:4 का उसका 15वां वचन 15:4। हाँ, फिर देखो ना, चर्च को मैसेजेस भेज रहे हैं। ये कौन सा चर्च है? एक फैमिली चर्च, एक हाउस चर्च। कहाँ? घर में वे लोग मिलते हैं। कौन वो व्यक्ति का नाम क्या बता रहा है? निम्फास। हेलो, मैंने कोलोसिया के नजदीकी शहर है लेओदिका। रेवलेशन में हम लोग देख सकते हैं वो कलीसिया के बारे में बता रहा है, लेओदिके की कलीसिया बताया गया है ना, पढ़े हो, याद है ना? हाँ, वो घर का वो चर्च, उस चर्च को भी तुम लोग क्या करना, जाना, रिकमेंडेशन उस चर्च को भी भेज रहे हैं। हेलो, ये है भाईचारा। इसलिए वो लोग क्या करेंगे, इस पत्रिका को लेकर वहां कलीसिया में पढ़ना मतलब क्या है? पढ़ना मतलब क्या है? वाक्य घोषणा करना, प्रीच करना। समझे नहीं? पढ़ेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा क्या? नहीं, उसको क्या करना, व्याख्या देना जरूरी है। तो देखो, पौलुस दो व्यक्तियों को आत्मिक रीति से बढ़ाकर सिखाकर भेज रहा है ताकि तुम जाके सेवकाई करो, ताकि तुम जाके वहां वचन घोषणा करके कलीसिया को क्या करो, आत्मिक रीति से बढ़ाओ, प्रज्वलित करो, गो। सीनियर जूनियर को भेजना जरूरी है। ए सीनियर पैस्टर शुड लीव द जूनियर पैस्टर, ए सीनियर ब्रदर शुड लीव ए जूनियर ब्रदर। भेज सकते हैं, आज के जमाने में भेज देंगे तो क्या हुआ? और पत्र पौलुस का नाम कभी नहीं लेगा, पौलुस का नाम कभी याद नहीं करेगा, खुद का नाम। हेलो, वो भाईचारा है ही नहीं। इसलिए मेरे बोलने का मतलब है, भाईचारा क्या करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए दूसरों को भी आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, आत्मिक रीति से प्रचोदित करने के लिए। अवसर खोल के देने वाला ही है भाई। वो घर की कलीसिया होने से क्या हुआ, मिलके आने वाले बड़े कलीसिया क्या हुआ, जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटीज देने वाला व्यक्ति ही भाई कहला सकता है। अगर तुम अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकते तो तुम कैसे भाई कह सकते हो? इसलिए यह है भाईचारा का गुण। ये है कलीसिया के अंदर रहने वाली तत्व। इसलिए कलीसिया के नामीकरण के बारे में मैंने क्या क्या बोला था, पहला वाला चेले, दूसरा वाला विश्वासी, तीसरा वाला भक्त, चौथवा वाला भाई, आज पांचवा वाला देखेंगे। प्रेरितों का किताब 11वां अध्याय उसका 26, एक्स चैप्टर 11 वर्स 26।
क्या कहला है? मसीह, क्रिश्चियंस। पांचवा वाला प्रयोग है कलीसिया का नामीकरण में, पांचवा वाला प्रयोग कलीसिया, कलीसिया नहीं, क्रिश्चियन, मसीह। ये किसने किसको दिया? विश्वासिया खुद अपने नाम नहीं रखे, विजाति लोग विश्वासियों को देख कर क्या किए, नामीकरण किए, क्या मसी, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का अर्थ क्या है? यीशु मसीह से थोड़ा छोटा, लिटिल देन क्राइस्ट, नहीं तो यीशु का अनुगमन करने वाला, नहीं तो यीशु का पार्टी, यीशु का झुंड, यीशु के लोग, नहीं तो मसीह का तत्व बताने वाले। किसने किसको नामीकरण किया? विजाती लोग विश्वासियों को। आज ऐसा हो गया कि विश्वासी विश्वासी लोग ही बोल के घूम रहे, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। अन्य जाति लोग हमें देखकर नहीं बोल रहे वो क्रिश्चियन है। क्यों इनको क्रिश्चियन बोल के कहा गया? 26 26 एक बार पढ़ते हैं। हेलो, कलीसिया के साथ मिलकर बहुत लोगों को क्या कर रहा था? उपदेश दे रहा था। कितना दिन? एक साल। एक साल कलीसिया में मिलकर उनको क्या करता? इंस्ट्रक्शन देकर एक लार्ज नंबर बनाया। हेलो, और उनको क्या बनाया? चेले बनाया, विश्वासी नहीं, चेले, डिसाइपल्स। हेलो, कब एक व्यक्ति को मसीह कहलाते हैं? जब वो व्यक्ति कलीसिया के अंदर है। और कलीसिया के लोगों को इंस्ट्रक्शन देकर उनको कलीसिया के समान प्रिपेयर करके रख सकता है, और वो चेले हैं, तो उनको बाहरी लोग देखकर क्या बोल सके? ये लोग कौन है? मसीह है, ये लोग जी यीशु के पार्टी के हैं, यीशु मसीह से थोड़े छोटे हैं, ये लोग यीशु के प्रचारक हैं, उसकी वर्णन मिलेगी। पीपल शुड कॉल यू क्रिश्चियन सीइंग योर क्वालिटी, तुम्हारा क्वालिटी देखकर। तुम्हारा सर्विस देखकर लोग बोलना चाहिए ही इज अ क्रिश्चियन। तुम्हारा एटीट्यूड देख के बोलना है ही इज अ क्रिश्चियन। हेलो, मैं जब कॉलेज पढ़ता था, कॉलेज में हम लोग हॉस्टल में जब थे, हॉस्टल का पहला दिन, सबको अपना अपना क्या वो हिस्सा बोलने के लिए समय है, तो मैं और मेरे साथ एक और लड़का है, हम दोनों ही विश्वासी हैं, पेंटिकॉस्टल विश्वासी हैं, बाकी भी हैं विश्वासी लोग, मगर वो लोग 50-50। तो हम लोग दोनों फर्स्ट, वो दूसरा भाई बोला कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं मूवी नहीं देख सकता, मैं दारू नहीं पी सकता, मैं सिगरेट नहीं दे सकता, मैं आलतू फालतू काम नहीं कर सकता, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ संगति में आता हूँ, रविवार दिन चर्च जाता हूँ। मेरा पूरा हिस्सा मैंने क्लियर आउट करके बता दिया, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूँ। तो हमें सैटरडे संडे हमको टीवी परमिशन मिलता था, तो टीवी परमिशन मिलते वक्त हिंदू ज़्यादा होने के कारण, नहीं तो अन्य जाति के लोग ज़्यादा होने के कारण मूवीज देने देखने के लिए अवसर देते थे। कंप्यूटर नहीं मिलने पर लैपटॉप दिया जाता था, तो वो लोग मूवीज डाउनलोड करके देखते थे। तो हम लोग जब भी उधर से जाते हैं ना, तो वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? हाँ, वो लोग मसीह के लोग हैं, वो लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, अगर हम बैठ भी गए ना, हमें उठा के भेज देंगे, तू निकल जा, तू किसे मसीह है। क्यों? हमारा एटीट्यूड लोगों को दिखाता है कि हमारे अंदर मसीह है। इसीलिए लोग अंतोकिया के विश्वासियों को क्या बोल के बुलाए? क्रिश्चियंस, मसीह।
हेलो, आज ऐसा हो गया कि मसीहत को एक एक रिलीजन, एक धर्म बना दिया। इसीलिए एक चीज हमें मालूम है, यीशु मसीह कभी भी एक धर्म बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह कभी भी किसी को क्रिश्चियन बोल के बुलाया नहीं। ये प्रयोग कौन किसको बुला रहा है? अन्य जाति के लोग परमेश्वर के लोगों को देखकर, उनका व्यवहार, आचरण, जीवन शैली को देखकर वो लोग प्रयोग किया गया शब्द है। उसका अर्थ यह नहीं है कि क्रिश्चियन एक रिलीजियन है। मसीहत एक एक धर्म नहीं है। हेलो, ये बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। मसीहत मसीहत एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, रिलीजियन नहीं। लोग उसे क्या कर दे, रिलीजियन बना दिए। तुम किस रिलीजियन के हो, कैटेगरी में? हम लोग सब क्रिश्चियन बोल के लिख देते हैं, लिख पाएंगे क्रिश्चियन? पूरी तरीके से मसीह का क्वालिटी हमारे अंदर है क्या? मगर हम लोग विश्वास पर लिख देते हैं क्रिश्चियन। इसलिए वो रिलीजियन नहीं, वो एक अनुभव है। अनुभव तुम्हारा पर्सनल इंटीमेसी विद क्राइस्ट, मसीह के साथ तुम्हारा रिलेशन है मसीहत। वो लोग देखना चाहिए, वो लोग पहचानना चाहिए, वो लोग महसूस करना चाहिए, वो है गवाही। अगर मसीहत तेरे अंदर है और लोग उसे देख पा रहे हैं तो तुझे सुसमाचार बोलने की जरूरत नहीं, खुद लोग जान जाएंगे तेरे अंदर मसीहत है। ओनेसिमोस को एक्सेप्ट करने हिसाब से कलीसिया को प्रिपेयर करके रखा। क्यों? क्या कि क्योंकि पौलुस को मालूम पड़ गया कि इसके अंदर मसीहत है। उसका जीवन का अनुभव बदल गया है। वो चोर था मगर अब ये चोर नहीं, विश्वास योग्य भाई, मेरा दास, परमेश्वर का सेवक, मेरा भाई। क्वालिटी बदल गया, एटीट्यूड बदल गया, वो है मसीहत। दूसरी वचन देख सकते हैं, अब प्रेरितों का किताब 26:28। यहां पे किसके बारे में बताया गया है? अग्रिप्पा राजा के बारे में बताया गया है। पौलुस क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के आधारित बहुत सारे चीजों को वर्णन करने के बाद वहां पे न्याय करने के लिए एक राजा बैठा था, उसका नाम है अग्रिप्पा। अग्रिप्पा को सब कुछ बताने के बाद अग्रिप्पा को ऐसा लगा कि पौलुस अग्रिप्पा को क्या कर रहा है, क्रिश्चियन बना रहा है। हेलो, हेलो, समझ रहे हो मेरी बात? एक व्यक्ति को कुछ बोलकर क्रिश्चियन बना सकते हैं क्या? नहीं। एक व्यक्ति मसीहत में आने के लिए वो क्या करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी है। इसलिए पौलुस अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताते वक्त अग्रिप्पा राजा को लगा कि ये इसका अनुभव बोलकर मुझे भी क्या कर रहा है, इस अनुभव में लाने की कोशिश कर रहा है। हेलो, क्रिश्चियन बनने के लिए 5 चीजें की जरूरत है, वो पौलुस बता रहे उसकी 18वां वचन में। पौलुस मसीहत में आने में 5 क्वालिटियां 18वां वचन में बताता है। देखो 18th verse, हाँ,
देखा ना वहां पे पांच क्वालिटी। नंबर वन, जिसके आंखें आत्मिक रीति से ओपन हो। नंबर टू, अंधकार से कहां ज्योति में आया हुआ व्यक्ति हो। नंबर टू। नंबर थ्री, शैतान के बंधन से, शैतान की शक्ति से परमेश्वर के शक्ति में मन फिराव पाया हुआ व्यक्ति। चौथा, जो कोई परमेश्वर के सन्निधि से पाप से माफी पाया हो। पांचवा, जो परमेश्वर के लिए अलग होकर परमेश्वर की इनहेरिटेंस पाया हो। पांच क्वालिटी है मसीहा बनने के लिए। हेलो, मेरे बातें समझ में आ रही है? पांचवा क्वालिटी क्या है? आखिरी में क्या बताएंगे? देखो, पवित्र, बीइंग होली। सबसे आखिरी वाला क्या है? परमेश्वर के लिए अलग क्यों किया गया? ताकि तुम पवित्र बनने के लिए। पांच क्वालिटी रहना चाहिए एक व्यक्ति को मसीहा, मसीहत में आने के लिए, मसीहत के अनुभव में आने के लिए, रिलीजन में नहीं, रिलीजन में आने के लिए क्या करना है? हाँ, क्या करना है? नाम बदलना है, वो करना है, ये करना है, करने से न, ये यहाँ पे रिलीजन नहीं, एक्सपीरियंस, परमेश्वर के एक्सपीरियंस में आना है, मसीहत के एक्सपीरियंस में आना है। एक, तुम्हारा आत्मिक आंखें खुलना है। दो, तेरी अंधेरी परिस्थिति को तू क्या करना है? ज्योति में परिवर्तन करना है। तीसरा, शैतान की शक्ति सामर्थ्य से परमेश्वर के शक्ति सामर्थ्य की ओर टर्न करना है। चौथा, पाप को, पाप का माफी मांग कर पांच, पवित्र बनकर परमेश्वर का पुत्र बनना है, तो ही वो एक व्यक्ति मसीह का एक्सपीरियंस में आ सकता है। ये पांचों क्वालिटी किसको है? पौलुस को था। इसीलिए पौलुस अपना जीवन का अनुभव बताया। ये सब बताने के बाद अग्रिप्पा राजा, ये सब सुनने के बाद क्या सोचा गंता ना? ये सब सुना के पौलुस, मुझे भी मसीहत का अनुभव देना चाहता है। मगर पौलुस क्या कर रहा है जानते ना? वो इनविटेशन दे रहा है किसको? अग्रिप्पा राजा को। अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, अपना अनुभव बना बता के इनवाइट कर रहा है। अब आना है या नहीं वो तुम्हारा मर्जी है। हेलो, आइदर यू शुड बी ए मसीह अरे क्रिश्चियन, इट्स योर डिसीजन, तुम्हारा निर्णय है, तुम खुद डिसाइड कर लो। मगर अग्रिप्पा राजा ने क्या नहीं किया? उस एक्सपीरियंस को रिसीव नहीं किया। क्रिश्चियन किसे कहते हैं? मसीहत किसे कहते हैं? जो परमेश्वर को अनुभव कर सकता है और दूसरों को अनुभवित करने के लिए शेयर करवा सकता है, उसे मसीहा कहते हैं। इसलिए उनको क्रिश्चियन, यहां पे क्रिश्चियन का नामकरण प्रयोग किया गया है। आखिरी में तीसरा वचन, पहला पत्रस 4:16, हेलो, अगर तुम्हें मसीहत में रहना है, इफ यू वांट टू बी अ क्रिश्चियन, स्टार्ट सफरिंग, सफर लाइक ए क्रिश्चियन। क्या करना चाहिए? क्या दुख पाए? दुख, दुख, रिसीविंग सफरिंग। क्यों? ताकि वह हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसे मसीहा कहते हैं। ऐसा है तो मसीहत में हमें क्या है? दुख है। अगर दुख नहीं हो रहा है तो समथिंग प्रॉब्लम है।
इसलिए यीशु मसीह हर प्रकार के दुख अनुभव करके क्यों क्रूस के ऊपर तक गए, ताकि उसके द्वारा एक रिहाई का रास्ता तैयार बन सके। तो हमें भी परमेश्वर दुख कष्ट क्यों दिए, ताकि हमारे अंदर क्या परमेश्वर की महिमा आ सके। उन्हीं को क्या कहा जाता है, मसीह, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन रिलीजन में लोग आने के लिए पैसा वैसा देने से हो सकता है, मगर बाइबल कहने वाले मसीहत में आने के लिए पैसा वैसा दे के नहीं, दुख कष्ट। इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह को त्राणकर्ता के रूप में अधिक विश्वास करता है, उसको पहले ही बताना चाहिए, तू बपतिस्मा लेगा तो मार खाएगा, तू अभिषेक पाएगा तो मार खाएगा, तू चर्च जाएगा तो तू मार खाएगा, लोग तुझे सताएंगे, पीटेंगे, मारेंगे, ये बोलने के बाद ही इसी के अंदर आने के लिए बोलना है। लोग आजकल उल्टा बोलते हैं, मसीह में आ जा तेरे को घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, वो मिलेगा। अरे असल में वो नहीं मिलेगा, असल में तुझे क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। अगर ये प्रचार करेंगे ना 75 नहीं आएंगे, मगर जो आएंगे, चंद जो आएंगे, वो परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। वो है मसीहपन, वो है क्रिश्चियन। इसीलिए लोग विश्वासियों को क्रिश्चियन के नाम बताते थे, क्योंकि वो लोग सफरिंग मारते थे, पीटते थे, तो भी रिटर्न कभी मारते नहीं थे, केस नहीं करते थे, सतावाती थी भाग जाते थे, घर द्वार सब छोड़ के निकल जाते थे, कहीं सुसमाचार बोलने थे पीटते थे, मारते थे, वो देश छोड़ के निकल जाते थे, मगर कभी भी रिटर्न मारते नहीं, गाली करते थे, सताव देते थे, कुछ भी कोई कंप्लेन नहीं। इसीलिए लोग उनको मसीह के अनुभवी बोलकर बुलाते थे, क्रिश्चियन बोल के बोल, वो उनका एक्सपीरियंस था। इसलिए साहब परमेश्वर के सन्निधि में अपने आंखें बंद करते, पांच विषयों को मैंने बोला, एक भाई, दो चेला, तीन विश्वासी, चार भक्त, पांच क्रिश्चियन। ये पांच नाम है कलीसिया की नामीकरण के हिसाब से। आइए परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे वचनों के सामने हम लोग एक मन होकर आ रहे हैं परमेश्वर। तेरे वचनों से हमें कलीसिया के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा, कलीसिया की नाम प्रयोग के बारे में सीखा परमेश्वर, हमें अच्छी तरीके से कलीसिया के बारे में हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद। क्रिश्चियन मसीहत एक अनुभवन के जीवन यापन करने के लिए, लोग हमारे अंदर की मसीहत को देखने के लिए, मसीहा को देखने के लिए हमें तैयार कीजिए। हमारा जीवन मसीहत के साथ एक्सपीरियंस भरकर जीवन, हमारा एटीट्यूड मसीहत में बदलना चाहिए, हमारा जीवन शैली मसीहत में बदलना चाहिए। हम दूसरे भाइयों को रिकमेंड करने वाले व्यक्ति बनने के लिए, दूसरों को गलतियाँ दिखा करने परमेश्वर, दूसरों की अच्छाइयाँ भलाइयाँ आत्मिक रीति की उन्नति कलीसिया के अंदर लाने के हिसाब से, रिकमेंड करने के हिसाब से, अपने चेलों को, अपने जूनियर्स को, अपने भाइयों को आत्मिक रीति से प्रोत्साहन देने के लिए, कलीसिया में योगदान देने के लिए हमें सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।